हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ना, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, और मैं ना 5 बजे उठी थी। अभी मैंने झाड़ू पोछा, जो घर का क्लीनिंग होता है ना, वो सारे काम मैंने कर लिए हैं। और मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं की ना, क्योंकि मैं भजन लगाई थी, भागवत कहा जाता है पितृपक्ष में, भागवत सुनना चाहिए, तो मैं वही अभी लगाई थी। अभी थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँगी ना, फिर मैं भजन लगा दूंगी और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। अभी देखिए सभी कोई सोया हुआ है और मैं बना रही हूँ अपने लिए काला चाय, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ तो दवा खाने के बाद मैं काला चाय ही पीती हूँ। तो बच्चे भी सोए हुए हैं, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि कैसे सोए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रुपेश यहाँ सोया है, यहाँ पर छवि यहाँ सोई हुई है। अभी ना फैन मैंने रूम का बंद कर दिया है, मतलब एक ही पॉइंट पे चल रहा है, वो ना चलने के बराबर है। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी सोए हुए हैं इस वाले रूम में, ये देखिए। और बाहर देखिए, अभी सुबह हो रहा है, मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। और अभी ना मैं जाऊंगी फूल तोड़ने, क्योंकि फूल भी तोड़ना जरूरी है। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, तो ये देखिए लेमन टी बना रही हूँ। और जिसको जिसको पीना है ना, वो आ जाए मेरे हाथ का, सुबह सुबह लेमन टी पी ले फिर मुझे बताए कि कैसा मैंने बनाया है। तो चाय जो है बन गई है, ये बन जाएगी मैं पी लूँगी, मैं जब ये बन जाएगा चाय मैं पी लूँगी और फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और अभी सोच रही हूँ बच्चों को जगा दूँ, क्योंकि 5:30 बजे जगा देती हूँ। और आज बाहर बारिश भी हो रही है ना, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हो रही है, इसीलिए वो अच्छे से सो रहे हैं, मैंने अभी छोड़ दिया। देखिए 6 बज गया ना, घंटी ने भी आवाज़ देना शुरू कर दिया। और मेरी अलार्म वाली घड़ी है ना, तो जितना बजता है ना उतनी बार वो बेल देती है। तो हम घर में कहीं भी रहेंगे ना, हमें पता ही चल जाता है कि घर में कितना बज रहा है या कहीं कितना टाइम हो रहा है। छत पे भी रहूंगी ना, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इतना टाइम हो रहा है। तो अभी मैं पीती हूँ चाय, फिर आप उसे नहाने के लिए बात दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाली कुर्ती पहनूंगी, इसके साथ ये व्हाइट वाला प्लाजो पहनूंगी, तो मैं चल रही हूँ नहाने। रुपेश रुपेश चलो चलो, छवि रुपेश चलो बेटा, उठो जाओ, सुबह हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। रुपेश छवि उठो, छवि गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग बोलो, रुपेश तुम भी गुड मॉर्निंग बोलो। ये देखिए हाथ अंदर बैठा है रुपेश, कितना दुबला हो गया रुपेश, बोलो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं फूल तोड़ने, बच्चों के साथ थोड़ा टहल भी लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि जो है ना बिस्तर साफ कर रही है जब थोड़ा सा भी गंदगी हो जाता है ना, तो मेरे बच्चे क्लीन कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है मेरे साथ कि मेरे बच्चे गंदगी नहीं देख पाते हैं, खुद थोड़ा बहुत बिखेर लेंगे सही है, लेकिन बेड हो गया या कहीं फर्श पे कुछ गिरा है तो वो तुरंत छवि क्लीन कर देते हैं। ये देखिए बोल रही थी कि मेरा वीडियो मत बनाइएगा क्लीन करते हुए, पर मैंने बना लिया थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाल बाल जो बनाने थे बना लिए। आधी की मैंने चोटी बनाई है, मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये देखिए बहुत पतले हो गए हैं। तो मैंने आज चोटी बनाई है, कहाँ जा रही हूँ, हाँ किचन में रख दो। तो अभी चलती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है आज मित्रों के लिए, उन्हें क्या चढ़ाना है। ऐसे तो रुपेश का तबीयत खराब हो गया था ना, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। और नवमी में भी मैंने बनाया था, क्योंकि वो लोग तो पितन है, वो लोग तो सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं, तो इसलिए मैंने बनाया था, पर मैंने बिल्कुल कुछ सूट नहीं किया। और जो मेरे पास पुराना क्लिप थोड़ा सा था ना, वही मैंने कल पोस्ट किया है, और वो 26 तारीख का क्लिप था और 27 के मॉर्निंग का थोड़ा सा क्लिप था, क्योंकि 26 की रात को ही रुपेश को फीवर आ गया था और मैंने सोचा 27 को ठीक हो जाएगा, जब ठीक नहीं हुआ तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी रुपेश ठीक है, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा उसको आशीर्वाद मिला, भगवान ने आप लोगों की सुन ली और रुपेश अब बिल्कुल ठीक है। अभी वो ऊपर नहाने गया है, टहल के आया, नहाने गया है। तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आपने रुपेश के लिए इतना प्रेयर किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग का कमेंट पढ़ के कि हाँ, मतलब
एक जुड़ाव सा जो हो जाता है ना, वो हो गया है कि जैसे आप लोग से मैं कुछ भी करूँगी ना, तो ये होता है कि आज आप लोग से बातें नहीं की हूँ, आज कुछ आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो वो दिन भी बिल्कुल खाली खाली ही लगता है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ। बस बच्चों को कुछ हो जाता है तो बिल्कुल मतलब मूड ही खराब हो जाता है, इसी वजह से कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अभी चलती हूँ। क्या हुआ? चलो हाँ, अभी नहीं खेलने जाना है ना, रुको अभी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या तैयारी करनी है। तो नहीं, अभी मैंने कपड़ों को वॉश किया है ना, वो छत पे डाल देती हूँ, फिर जाऊँगी किचन में। तो चलिए चलते हैं छत पे, आज छत आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश रात भर हुई है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, बार बार बारिश हो जा रही है, पूरी छत पे काई लग गई है। और मैं आपको पहले अपना गार्डन दिखा देती हूँ। छोटा सा मेरा गार्डन है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है पौधे उगाने। तो ये देखिए, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो जो है ना पोस्ट किया था इसका, मैं इसे लगा रही हूँ। जब मैं बीमार होकर ठीक हो गई थी ना, तब मैं लगा रही थी। ये देखिए अब फ्लावर इसमें आ रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और मनी प्लांट मैंने बताया था, नीचे रख दिया है। और देखिए पूरे छत, और एक मैं रोज़ भी दिखाती हूँ, रोज़ ये देखिए रोज़ में भी 3 फ्लावर आए हैं। पर मुझे चढ़ाना नहीं है ना ये सब कलर, तो इसलिए मैं तोड़ती नहीं हूँ। ये देखिए, और ये जो टूटने गया था हैंगिंग था, जो मैंने हैंगिंग प्लांट टांगा हुआ था, वो टूट गया था। ये देखिए ये सब पूरे तरीके से टूट रहा है। तो मैंने सोचा कि इसे मैं कहीं नहीं, इसे मैं इसी रेलिंग पे रख दूँगी, क्योंकि मैं फंसाऊँगी कहाँ। ये देखिए ये भी कमज़ोर हो गया, टूट रहा है, तो फंसाऊँगी कहाँ, इसलिए मैंने यहीं इसे रख दिया है। और ये नहीं, और देखिए ये वाला भी हैंगिंग है, तो इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसी भी, और ये देखिए मैंने इसमें ना अरबी के पत्ते उगाए थे, पर ये सूख रहे हैं, इनके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, पर मैं कहाँ लगाऊँगी। मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको ऐसे ही, और यहाँ पे रखने से ना बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, और सिर्फ दो जो है वो ठीक थे, तो मैंने टांग दिया है। मार्केट कभी जाना होगा तो फिर मैं ले आऊँगी। ये देखिए सिर्फ मैंने दो टांग दिया है। ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, जब किसी भी फूल मतलब फूल के पेड़ में फ्लावर आता है ना, तो वो खूबसूरती ही कुछ अलग होती है ना। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किनको किनको मतलब फूल खिला हुआ अच्छा लगता है अपने घर का। मैं बहुत दिन से गुड़हल ग्रो करना चाहती थी, पर हो ही नहीं रहा था। तो इसमें मैं मधुमालती लगाई थी, वो सूख गया था ना, उसे निकाल के फिर मैंने गुड़हल लगाया, तो अब होती है। तो चलिए अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि काम बहुत है, समय से हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैंने छत पर कपड़े फैला दिए हैं, और बारिश का मौसम है, देख रहे हैं आप, पूरा छत जो है गीला है। और ये मैं कूड़ा फेंक रही हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं जब कपड़े फैलाती हूँ तो ही मैं डस्टबिन भी साफ़ कर लेती हूँ, और आधे घंटे उसे धूप भी दिखा देती हूँ। बट आज धूप नहीं है, मैंने वैसे ही रख दिया है, आधे घंटे बाद मैं उसे नीचे ले आऊँगी। और ये मैं अरवी के पत्ते की पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ, और इसका वीडियो पहले से ही मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ये हमारे यहाँ लोढ़ा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए एक लोढ़ा बन गया है, ज़्यादा नहीं बना था, बस दो ही लोढ़ा बना था। और अभी मैं इसे सौते कर लेती हूँ, फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि फ्राई मेरे घर में सभी को उतना पसंद नहीं है। तो मैं उसे ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उधर चावल भी चढ़ाया था, वो भी हो गया है, लगे हाथ में रोटी भी सेक लेती हूँ। और हस्बैंड अभी गए हैं नहाने के लिए, नहा के आएंगे तो पानी वगैरह देंगे, अपना काम करेंगे। तब तक मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही खाना जो है वो चढ़ाना रहता है पितरों को। तो आजकल खाना बहुत जल्दी मैं बना ले रही हूँ, दिन भर मैं खाली रहती हूँ, 10-10:30 बजे तक तो मेरा जो खाना है वो बन जाता है। और फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना, वो है फ्राइडे, और तारीख है 1 अक्टूबर। तो इधर देखिए अभी पकौड़े जो है फ्राई हो गए हैं, फ्राई नहीं, वही सौते हो गए, मैं उन्हें निकाल लेती हूँ बाहर। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब बहुत सारे आइटम बनते हैं तो बर्तन भी काफ़ी सारे निकलते हैं, आप जानती ही होंगी, हाउसवाइफ होंगी तो जानती होंगी। तभी मैं उसे जल्दी जल्दी से क्लीन कर ले रही हूँ, और फिर मैं हस्बैंड के साथ पितरों का पूजा कर लूँगी, फिर उन्हें चाय वगैरह निकाल के दे दूँगी, बाहर जब वो चढ़ा लेंगे फिर हम सब भी चाय पी लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है, अभी तक शाम हो गया है पर अभी तक बारिश जो है वो बंद नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें सातवें आसमान पे पहुंचा देता है, मैं बता नहीं सकती कि हमें कैसा फील होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर हस्बैंड ने भी पूजा कर ली, और अभी मैं आ गई किचन में। देखिए ये दाल बनाई है, ये अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं, और आलू, और क्या कहते हैं, पर्वत की भुजिया है, और चावल भी बन गया है, और यहाँ रोटी भी लगा दी है। आज का पितरों के लिए ये खाना मैंने बनाया है। तो
तो अभी मैं निकाल देती हूँ खाना प्लेट में। हस्बैंड, तो फ्रेंड्स अभी मैं पितरों की थाली लगा देती हूँ और रोटी सादी है, मैंने घी लगा दिया है और सादा चावल है, दाल सब्जी पकौड़ी। और हस्बैंड ले जाते हैं, गौ माता को खिला के आते हैं, इधर उधर नहीं रखते हैं कि पता नहीं कोई खाएगा नहीं खाएगा, अन्न की बर्बादी होगी। तो गौ माता को ही खिला के आते हैं, तो ये लग गई उनकी थाली और हस्बैंड खिला के आ गए हैं। अभी मैंने बच्चों को भी नाश्ता दे दिया है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी अभी कर लूँगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, बाय बाय फ्रेंड।